अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों का पीपीएससी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का सिलसिला जारी है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से लिया गया है और ये आपके 17 स्केल की जॉब में क्वेश्चन आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक बैट है और एक बॉल है, उन दोनों की अगर प्राइस अगर हम टोटल देखें तो वो $1.10 बनती है। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो बैट है वो बॉल से $1.0 ज़्यादा उसकी प्राइस है। बताओ बॉल की प्राइस कितनी होगी? अगर हम लोग पहली अगर हम लोग नज़र में देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि यार $1 अगर उससे ज़्यादा है तो बॉल की प्राइस $0.10 होगी। पहली नज़र में हमारा आंसर हमारा यही बनता है और मोस्टली स्टूडेंट इसको ये गलत कर जाते हैं, वो $0.10 को ही आंसर लगा देते हैं। इसकी छोटी सी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन को अगर आप लोग समझ लें तो आपका क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इस बॉल की प्राइस को अगर मैं एक्स अगर सपोज कर लूँ कि बॉल की जो प्राइस है वो है एक्स, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। अब उसने कहा है कि उसके जो बैट की जो प्राइस है वो उससे $1 ज़्यादा है, यानी कि बैट की प्राइस कितनी हो जाएगी अगर बॉल की प्राइस अगर एक्स है तो वो उससे $1 ज़्यादा है, यानी कि वो हो जाएगी एक्स प्लस वन। अब वो कहता है कि इन दोनों की जो प्राइस मिला जुला के 1.10 बन रही है, द बैट एंड द बॉल कॉस्ट 1.10 इन टोटल, दोनों की प्राइस मिला जुला के 1.10, यानी कि बॉल और बैट दोनों मिला जुला के कितने के इक्वल हैं? 1.10, बॉल की प्राइस है एक्स, बैट की प्राइस है एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू 1.10। तो ये देखिए इक्वेशन बिल्कुल आसान से बन गया। अब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, एक्स और एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 1.10, ये वन आप उधर जाकर माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.10। जब आप इसको माइनस करेंगे आपके पास आएगा 0.10, तो एक्स की वैल्यू आपके यहाँ पे पास आ जाएगी 0.10/2, that would be equal to 0.05, यानी कि आपके पास जो प्राइस आएगी इसकी बॉल की वो आपके पास 5 सेंट होगी या $0.05 होगी। अब आप ये देखें कि वो उससे अगर मैं इसको अगर रीचेक अगर करना चाहूँ तो वो कहता है उसकी प्राइस जो है वो उससे $1 ज्यादा है। अगर बॉल अगर 0.05 आई है, बॉल अगर 0.0 लाजमी बात है, फिर बैट पर क्या होगा? बैट उससे $1 ज्यादा है, यानी कि वो होगा 1.05। इसमें आप $1 प्लस करो, 1.05 होगा। इसको जब आप प्लस आप करेंगे ना, आपके पास आंसर वही बनेगा 1.10, जो दोनों मिला जुला के उनकी प्राइस बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे फर्दर भी आप लोगों से मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूँगा, ताकि आप लोगों के जितने भी आगे पीपीएससी के और एफपीएससी के जो आप लोगों के पेपर्स आ रहे हैं उनमें, ताकि आप लोगों को मैथ सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे बहुत इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।